मेरे पास अभी 16 प्रो मैक्स एक मोबाइल है आईफोन का, तो हमें भी इसके अंदर लॉगिंग टेस्ट करेंगे, इसका फ्रंट कैमरा चेक करेंगे, इसका बैक कैमरा चेक करेंगे और सब कुछ मतलब एपीएस वगैरह चेंज करके देखेंगे। अभी मैं आईफोन के फ्रंट कैमरे में आया हूँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स के, और अभी इसकी सेटिंग 4K 60 FPS पे आप देख सकते हैं, इस कुछ तरह उसकी क्वालिटी आती है लॉगिंग करने में। अभी मैं आपको रियर जो कैमरा है उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। 16 प्रो मैक्स मैंने बैक कैमरे चालू किया है और उसकी सेटिंग कुछ 60 FPS पे, 4K 60 FPS आप देख सकते हैं, इस तरह इसकी कुछ क्वालिटी आती है। मैंने अभी वाइड एंगल पे सेटिंग रखी है इसकी, अभी मतलब 4K 60 FPS पे मैं इसकी अभी वीडियो चालू है, आप देख सकते हैं कितना पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसके अंदर कैप्चर कर रहा है। आपको थोड़ा चल के भी दिखाता हूँ और इसका आप स्टेबलाइजेशन वगैरह भी चेक करो, आप देख सकते हैं कैसा स्टेबलाइजेशन आ रहा है और पिक्चर क्वालिटी भी देखो कैसे आ रही है और लो लाइट में कैसे परफॉर्मेंस करता है वो भी देखो। मैं अभी लाइट कम लाइट के अंदर आया था और अभी देखो मेरे पीछे आप देख सकते सन है, उसको भी आप देखो कैसे मतलब वो मुझे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी 4K 60 FPS पे वाइड एंगल चालू है और मैं इसकी स्टेबलाइजेशन टेस्ट दिखा दूँ, अभी मैं दौड़ के दिखा रहा हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं इस तरह कुछ स्टेबलाइजेशन हो रहा है, वीडियो मतलब वो हिल रही है कि नहीं आप इधर देख सकते हो, वीडियो किस तरह आ रही है आप देख सकते हो। मैं अभी दौड़ रहा हूँ, अगर आप इस मोबाइल को लॉगिंग के लिए ले रहे हो तो आप बिंदास्त ले सकते हो, इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी आती है और इसका स्टेबलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, सो यू कैन बाय इट, सो थैंक यू।